जय हिंद स्टूडेंट, कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एयरफोर्स के एक्स ग्रुप का जो एग्ज़ाम है नवंबर में होने वाला है, और जो ओपन रैली वाला एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग आपकी फिजिक्स की एक सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने 3 प्रैक्टिस सेट आज तक डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आपका प्रैक्टिस सेट 1 आ चुका है, 2nd आ चुका है, और 3rd भी अपलोड हो चुका है। ठीक है, जिन्होंने पहले इनको नहीं करा वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उनके लिंक्स पे क्लिक करके उन प्रैक्टिस सेट पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं प्रैक्टिस सेट के साथ यहाँ पे आपके प्रैक्टिस सेट तो हो ही रहे हैं, साथ में कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिलेटेड थ्योरी भी साथ साथ थोड़ी सी करवाओ। ठीक है, तो वहां के लिए अब आपका एक रैपिड रिवीजन करेंगे हम, रैपिड रिवीजन कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, इस कोर्स के दौरान हम क्या करेंगे, अपना जितने भी चैप्टर्स आते हैं फिजिक्स में इनका एक थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन सा लेते चलेंगे, ताकि आप लोगों के जो रिवीजन की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो सके और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन को बूस्ट अप करवा सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो 11th वाले पोर्शन है वहीं से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैकेनिक्स व ठीक है मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ज़्यादा जितने जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे उन सभी को मैं डिस्कस करता हुआ चलूँगा, और साथ साथ आपको आने वाले वीडियोस में प्रैक्टिस सेट भी मिलते रहेंगे। ठीक है, इसी में पहला पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में। ठीक है, यूनिट्स क्या होती हैं और जो डायमेंशंस होते हैं उनके बारे में। यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में, ठीक है। देखिए, कोई सा भी आपका पेपर हो, चाहे आपका एयरफोर्स एक्स ग्रुप का हो, चाहे नेवी का ग्रुप हो, कोई भी प्रैक्टिस सेट आए वहाँ पर जो भी आपका फाइनल पेपर आता है, उन सभी में एक क्वेश्चन फिक्स होता है इस चैप्टर से, यूनिट एंड डायमेंशन से। आइदर आपसे किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट पूछता है या फिर आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये यूनिट्स क्या होती हैं और ये डायमेंशन होता क्या है। देखिए, जैसे आपका फिजिकल क्वांटिटी होता है, क्या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप नंबर में बता सको, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप नंबर में बता सकते हो उसको क्या कहते हो आप, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हो। उसकी यूनिट हो भी सकती है और यूनिट नहीं भी हो सकती, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, एनीथिंग That can be represent in number, कोई भी चीज जो नंबर में रिप्रेजेंट हो सके उसी को क्या कहोगे आप, फिजिकल क्वांटिटी कहोगे। इट मे और मे नॉट हैव, इट मे और मे नॉट हैव एनी यूनिट। यूनिट के बारे में बातें भी करेंगे, जैसे सर एग्जाम्पल की सभी फिजिकल क्वांटिटी, आपसे बोलते कि सभी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स होती हैं, तो नहीं, सभी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट नहीं होती। लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी कोई यूनिट नहीं होती, बट एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको आप नंबर में लिख सकते हो, ठीक है। और आपका कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको भी आप नंबर में लिख सकते हो, बट इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। पर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको आप नंबर में तो लिख ही सकते हो, साथ साथ उनकी यूनिट्स भी होती हैं। जैसे आपने लिखा फोर्स, तो आप क्या कहोगे, सर कितने न्यूटन फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन, 12 न्यूटन। तो यहाँ पर 12 क्या हो गया, नंबर हो गया, और एन क्या हो गई, उसकी यूनिट हो गई, क्लियर। तो ये हुआ फिजिकल क्वांटिटी, जिसको आप किसी भी फॉर्म में नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो, और उसकी यूनिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। अगर आगे चलें तो जैसे आप पढ़ते कि यूनिट क्या होती है, ठीक है,
तो जैसे ही आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है और आप उसको मार्केट में लेने गए, फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास, आप उसको मार्केट में लेने गए, तो सबसे पहले आप क्या कहते हो कि भाई मेरे को इतना सामान दे दो, ठीक है। तो एक्चुअल में जब आप सामान मांगते हो तो दुकानदार क्या करता है, दुकानदार कंपेरिजन करता है, क्या करता है, कंपेयर करता है किससे, उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए बनाए गए स्टैंडर्ड से। किससे मेजर करता है, उस फिजिकल क्वांटिटी को बनाए, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए बनाए गए स्टैंडर्ड से। याद करो, जैसे अगर आप मार्केट में लेने गए 5 kg कोई सामान, तो दुकानदार ने क्या करा, दुकानदार ने उसको तराजू के ऊपर रख दिया, ठीक है, वेट बैलेंस के ऊपर रख दिया। और वेट बैलेंस ने क्या शो करा, वेट बैलेंस ने शो करा कि भाई ये 4.5 kg है, ठीक है, एक नंबर शो करा और उसके पीछे एक स्टैंडर्ड शो करा। जैसे मास को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड बनाया गया है वो क्या है, किलोग्राम। लेंथ को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड बनाया गया मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करना उसके बनाए गए स्टैंडर्ड से, इसको कहते हो आप मेजरमेंट। क्या बोलते हो आप इसको, इसको बोलते हो आप मेजरमेंट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। और वो जो स्टैंडर्ड होता है ना, उसी स्टैंडर्ड को आप क्या बोलते हो, उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बोलते हो। क्या बोलते हो, उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट। तो यूनिट क्या हुआ, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए बनाया गया स्टैंडर्ड ही क्या कहलाता है, आपका यूनिट कहलाता है। क्लियर है ये, आगे चलते हैं। इसमें आपसे एयरफोर्स में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, वैसे अगर हम बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो दो तरह की होती हैं, ठीक है। एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, या फिर आप यूँ बोल सकते हो फंडामेंटल क्वांटिटीज, और एक होती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। फंडामेंटल, जैसे किसी घर को बनाने के लिए आपको नींव की जरूरत पड़ती है, उसी तरह फिजिक्स में आपको कुछ ऐसी क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी जिनकी टर्म्स में आप फिजिक्स के सारे लॉस को डिफाइन कर पाओ, ठीक है, तो वो कहलाई कौन सी, आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज। और जो क्वांटिटीज बनी फंडामेंटल की हेल्प से, उसी को आप क्या बोले, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा कि भाई बेस क्वांटिटीज कितनी होती हैं, फिजिक्स के अंदर बेस क्वांटिटीज कितनी होती हैं। बेस क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज दोनों की दोनों सेम ही बात है, और उनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो और किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, और जिनकी टर्म्स में आप फिजिक्स के लॉस को डिफाइन कर पाते हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, आपने लिखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इजिकल टू जी एम वन एम टू बाई में आर स्क्वायर होता है, सभी को पता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है। मास, ये भी मास, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी है। मास तो सेम ही हो गया, तो ये एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी होगी, और डिस्टेंस क्या होगी, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। लेंथ, तो यहाँ पर ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने डिफाइन करा, ये किसकी टर्म में डिफाइन करा, फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका एयरफोर्स ने पूछा था किससे, फिजिकल क्वांटिटीज पे, जो सबसे छोटा क्वेश्चन बनता है ये। अब बात आती है डायमेंशन। डायमेंशन से क्या आते हैं, डायमेंशन डिफरेंट डायमेंशंस दे देते हैं आपको, और आपको कहता है कि भाई इसमें से बताओ इस चीज़ का डायमेंशन क्या होगा। 4 ऑप्शन मिलते हैं, पर उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि भाई डायमेंशन होते क्या हैं। किसी भी क्वांटिटी के अंदर मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये किस तरह से, जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उसकी, वो किस तरह से दी गई हैं, वो क्या कहलाता है, उसका डायमेंशन कहलाता है। जैसे आपको पता होगा कि जो मास होता है, मास का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है आपका, एम। आपका बोलो लेंथ का डायमेंशन क्या, तो भाई कैपिटल एल। आपसे बोला टाइम का डायमेंशन क्या, तो आप बोले क्या, कैपिटल टी। इसी तरह से टेम्परेचर का डायमेंशन क्या, वो आपने बोल दिया कैपिटल के। और आपको बोला इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या, तो आपने बोल दिया कैपिटल ए। बेसिकली ये 5 ही यूज होते हैं, और एट ए टाइम आपको एक फिजिकल क्वांटिटी में 4 ही डायमेंशन देखने को मिलते हैं। अब कुछ डायमेंशंस करेंगे इंपॉर्टेंट, जैसे सिंपल से लेकर के चल रहे हैं, फिर धीरे धीरे पूरी फिजिक्स का रिवाइंड करेंगे एक बार। स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी, इसका डायमेंशन क्या होता है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो
भाई एक चीज मान लेते हैं, क्योंकि दो फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन सेम हो सकते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या दो फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन सेम हो सकते हैं, यस हो सकते हैं, स्पीड और वेलोसिटी के रहे, हीट एनर्जी टॉर्क और वर्क के रहे। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो जाता है एल और टाइम का डायमेंशन क्या हो जाता है टी। तो यहाँ से आंसर आया L1 T-1। ठीक है, सिमिलरली फटाफट देखते हैं एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पर इसका डायमेंशन होता है L1 T-2। अच्छा, एक्सेलरेशन से क्या बनता है, एक्सेलरेशन से बनाते हो आप फोर्स। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन फार्मूला हो गया। और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बन गया, M1 L1 T-2। ये डायमेंशनल फार्मूला बन गया किसका, फोर्स का। अब फोर्स भी बहुत सारे होते हैं, वेट होता है, थ्रस्ट होता है, और आप क्या बोलते हैं टेंशन, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, फोर्स के अंदर आते हैं। तो फोर्स ना बोल करके आपको क्या बोल दे कि बॉडी के वेट का डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, आपसे बोल दे थ्रस्ट। थ्रस्ट एक तरह का फोर्स होता है जो लिक्विड लगाता है वॉल्स ऑफ कंटेनर पे। जब किसी लिक्विड को किसी कंटेनर में डालते हैं तो उसके वॉल पर वो एक फोर्स लगाता है जिसको आप क्या बोलते हो, थ्रस्ट। ठीक है, जब कभी किसी रस्सी वगैरह को खींचते हो तो वहाँ पर जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं आप टेंशन। तो इन तीनों का डायमेंशन क्या रहेगा, यही रहेगा। नेवी के एक पेपर में पूछा थ्रस्ट का डायमेंशन क्या होता है, ठीक है, तो क्या होता है, M1 L1 T-2 होता है। आपसे बोलते लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को बोलते हैं मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, इसका डायमेंशन वेलोसिटी का पता है, मास का डायमेंशन पता है आपको, तो क्या हो जाएंगे M1 L1 T-1। बट लीनियर मोमेंटम ना बोल करके क्या बोल दे, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हो, एल से रिप्रेजेंट करते हो। और एंगुलर मोमेंटम होता है किसके बराबर है, MVR। लीनियर मोमेंटम मतलब कोई बॉडी लीनियरली चल रही है, लीनियरली मूव कर रही है। और अगर वही बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट करे तो जो उसकी मोमेंटम होगी वो क्या बनेगी, एंगुलर मोमेंटम, MVR। यानी कि रेडियस से और मल्टीप्लाई कर दो, डायमेंशन फॉर्मूला बन गया M1 L2 T-1, M1 L2 T-1। अच्छा, आपसे पूछ ले इम्पल्स का डायमेंशन क्या होता है। एयरफोर्स का एक क्वेश्चन था, बोला डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इज सिमिलर टू, ऑप्शन में था मोमेंटम, फोर्स, एंगुलर मोमेंटम और एक और ऑप्शन था। ठीक है, तो इम्पल्स एक तरह से चेंज इन मोमेंटम ही होता है। कौन सा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी डायमेंशन क्या हुआ, सेम हुआ, M1 L1 T-1। ये डायमेंशन हो गया। आगे बात करते हैं इसमें कि भाई एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन किसके सिमिलर होता है। ऑप्शन में आया प्लैंक्स कांस्टेंट, इम्पल्स, फोर्स या कोई और। ठीक है, जैसे आपको मैंने बोला एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन है वो किसके साथ मैच करेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आया आपका प्लैंक्स कांस्टेंट एच, दूसरा ऑप्शन आ गया मैंने लिख दिया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, तीसरा लिख दिया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल आर, और चौथा है ऑल ऑफ अबाव। तो यहाँ पर वो आपकी थोड़ी सी क्या चेक कर रहा है, मेमोरी चेक कर रहा है। आप लोगों ने पढ़ा है बोहर, बोहर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, बोहर की थ्योरी पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, और उसमें पहले ही पॉइंट में उन्होंने ये बताया था जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है जो उसकी एंगुलर मोमेंटम होती है MVRL, वो होती है NH/2π। किसके बराबर होती है वो, NH/2π। तो भाई n का कोई डायमेंशन नहीं होता, 2π का कोई डायमेंशन नहीं होता, जो डायमेंशन प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का है वही डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम का है। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन वही होता है जो प्लैंक्स कांस्टेंट का, या फिर इसका रेसिप्रोकल भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट बोलते हैं जैसे टॉर्क का क्या डायमेंशन होता है। ठीक है, टॉर्क का क्या डायमेंशन होता है, टॉर्क का डायमेंशन होता है, टॉर्क पहले होता क्या है, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन आपने पढ़ लिया M1 L1 T-2, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, एल। तो यहां से ये आ गया M1 L2 T-2, दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ टॉर्क। अच्छा, जो टॉर्क का डायमेंशन होता है इसके जैसे और किसका किसका होता है, वर्क का भी डायमेंशन यही ही होता है। ठीक है,
हर तरह की एनर्जी का भी यही डायमेंशन होता है एक्सेप्ट सरफेस एनर्जी। अभी उसके बारे में बात करता हूँ। वर्क एनर्जी, हीट, इसके अलावा मैंने बोल दिया काइनेटिक एनर्जी, मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी, इन सभी का डायमेंशन क्या होता है? इन सभी का डायमेंशन होता है m1 l2 t-2। ठीक है, एक सरफेस एनर्जी बोला था, उसका डायमेंशन ये नहीं होता। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसने देखा एनर्जी तो और वो क्या कराता है, गलत कराता है। सरफेस एनर्जी होता क्या, इससे पहले हमको एक चीज समझनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन सिग्मा, सरफेस टेंशन लिक्विड सरफेस की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा वो मिनिमम से मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सरफेस टेंशन। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि भाई जो मच्छर होते हैं वो पानी में कैसे तैर लेते हैं, पानी की अपर सरफेस पे सुई कई बार पानी में नहीं डूबती, या फिर बारिश की बूंदें जो होती हैं वो गोल होती हैं या फिर स्फेरिकल होती हैं। ठीक, वो किसकी वजह से होते हैं? सरफेस टेंशन, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ, और फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t-2, लेंथ का डायमेंशन क्या l, l से l कट गया, इसका डायमेंशन आया m1 t-2। ठीक है, अब सरफेस एनर्जी क्या हुआ? सरफेस एनर्जी होता है जैसे आप जो बचपन में देखते हैं हम सर्फ के गुब्बारे से फुलाते हैं, उसको गुब्बारे को फुलाने के लिए आप उस पर क्या करते हो, फूक मारते हो, मतलब आप उस पर वर्क करते हो एक पर्टिकुलर एरिया पे। तो ये होता है वर्क डन पर यूनिट एरिया। क्या होता है ये? वर्क डन पर यूनिट एरिया। और वर्क डन का हमने डायमेंशन पढ़ लिया m1 l2 t-2, एरिया का l स्क्वायर होता है, l स्क्वायर से l स्क्वायर कट जाएगा m1 t-2। एयरफोर्स 2019 पेपर 1 का क्वेश्चन है ये, क्या कि भाई सरफेस एनर्जी का डायमेंशन किसके सिमिलर होता है। ठीक है, और वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क आया था और एक सरफेस टेंशन भी आया था। ध्यान से देखो, दोनों का डायमेंशन सेम है। ठीक है, तो ये एक इकलौती ऐसी एनर्जी है जिसका डायमेंशन बाकी की एनर्जी की तरह नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपसे पूछा गया फोर्स कांस्टेंट, मैं उन्हीं को ज़्यादा फोकस में ला रहा हूँ जो पहले पूछे गए हैं। फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है? ठीक है, फोर्स कांस्टेंट मतलब आपका स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलता हूँ इसको दूसरी भाषा में, ये आपका था एम मास, आपने इसको क्या करा, स्ट्रेच करा। ठीक है, और यहाँ पर इस स्प्रिंग का एक कांस्टेंट आया क्या, कैपिटल के। आपसे फोर्स कांस्टेंट बोल दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट बोल दिया, बात एक ही है। और ये होता है फोर्स F = -kx। आपको k का डायमेंशन पूछा, तो k का डायमेंशन क्या हो जाएगा, F/x m1 t-2। लेंथ से तो लेंथ कट जाएगी। ध्यान से देखिए, क्या तीनों के डायमेंशन सेम है? फोर्स कांस्टेंट, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, तीनों के डायमेंशन सेम है, बनाने वाला क्वेश्चन इस पे भी बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है जो पूछे ही गए हैं बार बार, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन और लेटेंट हीट का डायमेंशन। ठीक है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है? किसी भी एक ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर आप एक डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना चाहते हो, किसी भी एक ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर एक डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना चाहते हो, तो आपसे पूछता है कि उस दौरान जो हीट देते हैं ना, वही कहलाती है स्पेसिफिक हीट। वही हीट क्या कहलाती है? स्पेसिफिक हीट कहलाती है। किसी एक ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर आप एक डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना चाहते हो, तो उस दौरान जब आप उसको जितनी हीट देते हो वो क्या कहलाती है? स्पेसिफिक हीट। फार्मूला होता है इसका Q = mC × ∆T। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट हो गया C, और इसका फार्मूला बना Q/m × ∆T। ठीक है, ये फार्मूला बना। हीट का डायमेंशन आप लोगों ने पढ़ा है m1 l2 t-2 होता है। मास का डायमेंशन क्या होता है? एम होता है। यहाँ पे टेम्परेचर का डायमेंशन कई बार लेना भूल जाते हैं, पर के होता है। एम से एम कट गया, आपको मैक्सिमम ऑप्शन में सिर्फ इतना दिया मिलेगा। ठीक है, और जहाँ आपको दिखा K-1, दिस इज द राइट ऑप्शन। क्लियर,
यहाँ पर बॉडी का फेस चेंज नहीं होता, स्पेसिफिक हीट के दौरान बॉडी का फेस चेंज नहीं होता। बट लेटेंट हीट क्या होती है, बॉडी के फेस चेंज के दौरान जब आप बॉडी को हीट सप्लाई करते हो वो कहलाती है आपकी स्पेसिफिक हीट। फार्मूला होता है क्यू इजिकल टू एम एल, आपको एल होता है लेटेंट हीट कॉन्स्टेंट, मतलब क्यू बाय एम। दिस इज द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन द स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट, ठीक है। ये दोनों में से छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ पे देखो एल टू टी माइनस टू है और यहाँ पे एल टू टी माइनस टू, साथ में यहाँ पे के माइनस वन था, यहाँ पे के माइनस वन नहीं है। तो इन दोनों के डायमेंशन क्लियर हुए। आगे बात करते हैं कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, इसका डायमेंशन आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसका डायमेंशन आप कैसे निकाल सकते हो, एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय एम वन एम टू, एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय एम वन एम टू, ठीक है। और इसको जब सोल्ड करते हो आपका फार्मूला आता है एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, ये डायमेंशन हो जाता है किसका, कैपिटल जी का। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, इसका डायमेंशन आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि इसका डायमेंशन क्या होता है। बच्चा कंफ्यूज होता है क्योंकि बड़ा सारा फॉर्मूला है, क्यू इज पी वी इजिकल टू एन आर टी, आर इजिकल टू पी वी बाय एन टी, एन नंबर ऑफ मोल, मोल का डायमेंशन आप लेते नहीं हो, पी वी प्रेशर इंटू वॉल्यूम वर्क बनता है, मतलब एम वन एल टू टी माइनस टू, टी टेम्परेचर है, तो यहाँ से क्या आ गया एम वन एल टू टी माइनस टू के माइनस वन, बच्चा एल टी माइनस थ्री भी कर देता है कई बार, ठीक है, क्योंकि ये टी और टी, आप ये सोच लेते हैं ये टेम्परेचर वाला टी नहीं होकर के टाइम वाला टी है, और ऊपर जाएगा तो टी माइनस थ्री कर देता है, ठीक है। आर पे आपके दो क्वेश्चन और पूछे गए हैं, आर की वैल्यू पे, तो याद रखना इसकी वैल्यू होती है 8.134 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, जूल की टर्म में ही फॉर्मूला, ठीक है। और आर की दूसरी वैल्यू होती है 1.98 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। ये दो डिफरेंट फॉर्मूलेज हो गए किसके, आपके ना, दो डिफरेंट वैल्यूज होगी आर कैपिटल आर की। कैपिटल जी की वैल्यू पूछ ले आपसे तो 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, या फिर 6.67 × 10⁻¹⁸ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर। दिस विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला एंड डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स के कुछ वैल्यूज हो गए, ठीक है। इसके अलावा अब चलो बात हो ही रही है यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ कि भाई एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10⁷ अर्ग होते हैं, एक जूल में कितनी कैलोरी होती है, एक बटे में इतनी कैलोरी होती है, या फिर आप यूँ बोल सकते हो एक कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं, ठीक है। अच्छा, 1 टेस्ला कितने गोस के बराबर होता है, 10⁴ गोस के बराबर होता है, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 1 फेराड में कितने कूलम होते हैं, 96,500 कूलम्स होते हैं 1 फेराड के अंदर। अच्छा, कैपिटल के आपका कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है, कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू या फिर आप इसको बोल देते इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब K को आप लिख देते हो 1/4πε₀, और यहाँ पर ε₀ होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻¹² कूलम स्क्वायर मीटर माइनस टू न्यूटन माइनस वन, ठीक है। अच्छा, आपको कई प्रैक्टिस सेट में K डायरेक्ट कुछ नहीं बोलता, K के बारे में बोला K का डायमेंशन बता दो क्या हो गया,
ठीक है। और मैक्सिमम बच्चा क्या पढ़ता है, इसको इसी तरह से पढ़ता है, जब तक आपको ये नहीं दिया जाएगा कि भाई कूलम्स कांस्टेंट है और के को एक और चीज़ बोलते हो, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हो भाई? डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। और डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट होता है आपका ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड और डिवाइड बाय रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो। और इसका डायमेंशन नहीं होता, M0, L0, T0, ठीक है। नेवी के कुछ यूनिट्स और डायमेंशन देखते हैं। नेवी के पेपर जो आया था 2020 में, वहाँ पे आपसे पूछा गया एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये होता है टू पाई बाय टी। टी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? T-1। बस इतना सिंपल सा पूछ लिया वहाँ पे उन्होंने, ठीक। इसी साथ अगर आपसे पूछ ले एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है आपका? ओमेगा बाय टी। तो यहाँ से ओमेगा का तो T-1 होता ही है, यहाँ पे आ जाएगा T-2। ये हो गया आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट बनते हैं, जैसे अंडर रूट LC 1/, या फिर डायरेक्ट μ0 × ε0, इनका डायमेंशन। अच्छा, इसको आपने पढ़ा था कहीं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पढ़ते वक्त, आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जहां पर XL इक्वल टू क्या हो जाता है? XC, मतलब इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो बराबर हो जाती है किसके? कैपेसिटेंस की रेजिस्टेंस के, वहाँ पर वो कहलाती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अंडर रूट LC। और अंडर रूट LC क्या कैसे आया है यहाँ पे? देखो, ये होता है ओमेगा L और ये होता है 1/ωc। इस जब पूरे को सोल्ड करते हो तो आपके पास आता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2π अंडर रूट में LC। आपको सही है सिर्फ रूट LC, फ्रीक्वेंसी को नीचे ले जाओ, रूट LC इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/ फ्रीक्वेंसी, 2π को छोड़ दिए क्योंकि उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। 1/ फ्रीक्वेंसी क्या कहलाता है? टाइम। तो आपसे बोल देगा अंडर रूट LC इज सिमिलर टू द डायमेंशन ऑफ व्हाट? तो टाइम के डायमेंशन के बराबर है एक तरह से ये, ठीक है। बात करते हैं इसकी, अंडर रूट μ0 × ε0, ठीक है। देखो, आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा था, वहाँ पे पढ़ा था आपने स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू क्या होती है? μ0 × ε0, 1/ अंडर रूट μ0 × ε0, ठीक है। आपको डायमेंशन पूछा किसका? μ0 और ε0 का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1/ में स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन फॉर्मूला स्पीड ही तो है भाई एक तरह से, L1 T-1, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? L-1 T1, दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ अंडर रूट ऑफ μ0 × ε0, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ ले व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। इसको आप सिंपल से निकालो, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, F इज इक्वल टू क्या? वी भी साइन थीटा होता है। यहाँ से B का डायमेंशन चाहिए आपको, तो B को क्या लिख दोगे? F/ में क्या होगी, ठीक है। और फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है m1 L1 T-2, और चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? at। वेलोसिटी का डायमेंशन L1 T-1 से T-1 उड़ गया, एक L से एक L उड़ गया, आपके पास इसका डायमेंशन निकल करके आया m1 T-2 a-1, दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसके साथ कुछ प्रीवियस और देखते हैं, जैसे मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? जब किसी होलो चार्ज कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो या फिर किसी कंडक्टर को रखते हो, तो उसमें कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर आते हैं, वही कहलाते हैं उसकी मैग्नेटिक मोमेंट। और ये डायमेंशनली हो, फॉर्मूला वाइज होता है करंट × एरिया, ठीक है। और इसका डायमेंशन लास्ट काफ़ी एग्जाम से पूछा जा रहा है भाई, एरिया का क्या होता है? L² और करंट का क्या होता है? A, ठीक है। तो L² A इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। इसका डायमेंशन कैसे निकालते हो, प्री पी इज इक्वल टू क्यू इंटू में टू ए। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, ए टी, और लेंथ का क्या होता है, एल, तो ए एल टी इसका डायमेंशन हो गया, ठीक है। मैक्सिमम वही पूछे जाते हैं, पहले एक ट्रेंड चलता था कि 11th के डायमेंशन पूछते था, अब वो किस में लेकर के आ रहा है आपको, 12th के डायमेंशन में आ रहा है, क्योंकि 11th के डायमेंशन मैक्सिमम बच्चों को याद मिलते हैं, ठीक है। आपसे पूछ लिया क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन, ठीक है। आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, ठीक है। वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है आपके पास, एम वन एल टू टी माइनस टू, और चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, ए टी। यहाँ से सोल्ड करा, एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, यह डायमेंशन हो गया किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछ लिया, आपसे उसने सेल्फ विटामिन्स सेल्फ इंडक्टेंस, इसकी यूनिट और डायमेंशन दोनों ही वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट है भाई। सेल्फ इंडक्टेंस आपने कभी इसका फार्मूला पढ़ा होगा ऐसा, EMF इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये फार्मूला पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। एल क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है, इसको आप लिख देते हो EMF इंटू में डी टी डिवाइड बाई डी आई, ठीक है। EMF एक तरह की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही होती है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन आपने पढ़ा एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। टाइम का डायमेंशन क्या हो गया, टी, और करंट का डायमेंशन क्या हो गया, ए। जब इसको सोल्ड करते हो तो आपके पास आंसर आता है एम वन एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, ठीक है। ज़्यादा डायमेंशन याद ना करो एज़ कम्पेयर टू उनको याद करो जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। लाइक उसने पूछा कंडक्टेंस का पूछा था, कंडक्टेंस क्या होता है, कैपिटल जी, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, क्या, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, क्लियर। अब रेजिस्टेंस का डायमेंशन आपको याद नहीं है तो पर आप कर तो सकते हो इसको, आप रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो वी इज इक्वल टू आई आर, देन R को इधर ले आओ और V को इधर ले आओ, तो आप लिख दोगे I बाय V, ठीक है। करंट का डायमेंशन आपका A, और वोल्टेज का डायमेंशन क्या हो जाता है आपका M1 L2 T माइनस थ्री ए माइनस वन, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाता है M माइनस वन L माइनस टू T थ्री, यहाँ पे थ्री आएगा और A2, ठीक है। दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ कंडक्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें डायमेंशन वाइज आपको एक और क्वेश्चन देखने को मिलता है, नया क्वेश्चन, वो क्या है कि जैसे एक क्वेश्चन दे दिया उसने एफ इज इक्वल टू ए टी माइनस बी एक्स स्क्वायर, एफ इज इक्वल टू ए टी माइनस बी एक्स का स्क्वायर, और आपसे बोल दिया ए बाय बी का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन रिसेंटली नेवी के एग्जाम्स में पूछे गए थे आपसे। देखो ये किस कॉन्सेप्ट पे होता है, ये इस कॉन्सेप्ट पे होता है कि ओनली सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम द सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब आप लेंथ में ऐड कर सकते हो लेंथ को ही, और सब्ट्रैक्ट भी किसको कर सकते हो, लेंथ को ही, तो बचेगा भी क्या आपके पास, लेंथ ही बचेगा, ठीक है। आप मास में मास ही ऐड कर सकते हो और मास ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और मिलने वाली चीज़ भी क्या रहेगी आपके पास, मास ही रहेगी, ठीक है। इस फॉर्मूले को देखिए, F इजिकल टू क्या है, ए टी माइनस में बी एक्स स्क्वायर, एफ इजिकल टू क्या है, ए टी माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये फोर्स है, तो ये ओवरऑल भी क्या होगा, फोर्स ही होगा, और ये ओवरऑल ही भी क्या होगा, फोर्स ही होगा, ठीक है। आपको t टाइम दे रखा है और b क्या दे रखा है, ना सॉरी x क्या दे रखा है, आपको डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, ये आपको गिवन है। अब देखिए at एक तरह का फोर्स है, और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 l1 t माइनस टू, आपको a का डायमेंशन चाहिए, टाइम को नीचे ले जाओ तो क्या आ गया, m1 l1 t माइनस थ्री।
सिमिलरली बी एक्स भी क्या है, बी एक्स स्क्वायर भी क्या है, एक तरह से फोर्स ही है, एम वन एल वन टी माइनस टू। ठीक है, तो यहाँ से बी क्या आ जाएगा, देखो एक्स डिस्टेंस है तो एल स्क्वायर होगा, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। आप ए और बी निकाल चुके हो, फॉर्मूले में पुट कर दो, हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि भाई ए टी इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर है, क्योंकि फोर्स तो फोर्स के बराबर ही रहेगा, और आपको क्या निकालना है, ए बाय बी, मतलब ये एल स्क्वायर हो गया और ये टाइम टी हो गया, तो आंसर आ गया कितना, एल स्क्वायर टी माइनस वन। सॉल्व करके देख लेना, यही आएगा आपका। ठीक है, इसके अलावा जो एक क्वेश्चन था वो देखो, y इज इक्वल टू ए साइन पी एक्स माइनस क्यू टी। ठीक है, ये एज इट इज क्वेश्चन था नेवी का, उन्होंने ये पूछा p बाय क्यू का डायमेंशन बता दीजिए क्या होगा। एक वेव की इक्वेशन दे रखी है, y इज इक्वल टू ए साइन ब्रैकेट पी एक्स माइनस क्यू टी, और पी बाई क्यू का उन्होंने डायमेंशन पूछा। भाई ये बताओ, साइन के अंदर जो ब्रैकेट में होता है वो एंगल होता है, तो ये भी एंगल और ये भी एंगल। ठीक है, दोनों एंगल में से एंगल सबट्रैक्ट कर रहे हो, तो एंगल तो एंगल के बराबर ही हो जाएगा, एंगल एंगल के बराबर रख दिया, आपको क्या चाहिए पी बाई क्यू, तो पी बाई क्यू को आप क्या लिख सकते हो, पी बाई क्यू को लिख सकते हो आप टी बाई एक्स, टी टाइम और लेंथ, एक्स क्या है लेंथ है, तो आपके पास डायमेंशन आ गया एल माइनस वन टी वन। दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ पी बाई क्यू इन केस ऑफ दिस इक्वेशन। आगे बात समझ। तो इस तरह से आपके से क्या पूछ सकता है, वो आपके डिफरेंट डायमेंशंस पूछ सकता है। ठीक है, तो एक नंबर आपका यहाँ से फिक्स हो जाता है कि आप डायमेंशन भी पढ़ के जाते हो ना, सारी जितने भी चैप्टर्स आपके सामने आते हैं उन सभी के डायमेंशंस पढ़िए। ठीक है, जितने डायमेंशंस याद नहीं करने, आप डायमेंशंस को फॉर्मूलाज की तरह देखिए। ठीक है भाई, कि जैसे मैंने कहा कि भाई आप बता दो क्या, कैपेसिटेंस का डायमेंशन बता दीजिए। ठीक है, कैपेसिटेंस का डायमेंशन बता दीजिए, तो आपको याद आना चाहिए कैपेसिटेंस के केस में क्यू इजिकल टू क्या होता है, सी वी होता है। ठीक है, क्यू इजिकल टू क्या होता है, सी वी होता है। तो भाई चार्ज सी का आपको डायमेंशन चाहिए, तो क्यू बाय वी। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, ए टी, और वी का डायमेंशन क्या होता है आपके पास, एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। इसको अरेंज करा तो आपके पास डायमेंशन बन करके आया एम माइनस वन एल माइनस टू टी की पावर चार ए टू। ये डायमेंशन आ जाएगा किसका, कैपेसिटेंस का। ठीक है, और इसी चैप्टर में से एक याद आ गया, एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन उन्होंने पूछा था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक डेंसिटी बोल सकते हो, एनर्जी डेंसिटी बोल सकते हो इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दौरान जो उसके बीच में एनर्जी स्टोर होती है उसको आप बोलते हो एनर्जी डेंसिटी, और इसका डायमेंशन पूछा। और सिंपल सा डायमेंशन था इसका कि भाई इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एम वन एल टू टी माइनस टू, वॉल्यूम का होता है एल थ्री, एल थ्री ऊपर चला जाएगा तो आप लिख सकते हो एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी और द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और इसका फार्मूला अगर पूछे आपसे तो कितना था, वन बाय टू ई, सॉरी वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर, तो इस तरह से आप डायमेंशंस को याद कर सकते हो। ठीक है, बार बार उनको रिवाइज कर सकते हो, बट इतना पक्का है कि भाई एक नंबर यहाँ से आता ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैकेनिक्स में आपका एक छोटा सा पार्ट मैंने कवर करा है, आने वाली वीडियोस में हम काइनेमेटिक्स, आपका लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ से कुछ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि एग्ज़ाम की इस वक्त प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट के लिए आप प्रैक्टिस सेट के सेशन में जा सकते हैं, आपको लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपकी थ्योरी की रहेगी या फिर प्रैक्टिस सेट की, आपको अपडेट मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पर, तो उसके लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें कृष्णा क्लासेस के। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद भाई।